नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर आईआईटी के करीब नानकारी इलाके में प्रोफेसर एससी वर्मा की फिजिक्स लैब है, मैं प्रोफेसर वर्मा की लैब में हूँ। हमने बहुत सारे सवाल आपसे मंगवाए थे, आपने ढेर सारे सवाल प्रोफेसर वर्मा से पूछे हैं, हम सवालों के जवाब लें। इससे पहले मैं प्रोफेसर वर्मा के बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि प्रोफेसर वर्मा ने कैसे फिजिक्स की पढ़ाई की, इनका चाइल्डहुड कहाँ बीता, इन्होंने किस स्कूल में पढ़ाई की। तो मेरे साथ प्रोफेसर वर्मा हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारे मोटिवेशन शो में बहुत सारे जो नीट के स्टूडेंट्स हैं और एम्स के स्टूडेंट, जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट आपकी बुक्स पढ़कर तैयारी करते हैं और उनके अंदर आपको लेकर बहुत क्यूरियोसिटी है। एक तो बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे हैं, प्लस वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो सर, पहले आप ये बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और फिजिक्स का जो ये कहना चाहिए आपने पूरी लाइफ डिवोट कर दी फिजिक्स को लेकर, कैसे ये शौक, ये फिजिक्स के प्रति इतना इंटरेस्ट, इतनी दिलचस्पी कैसे बढ़ी आपकी? देखिए, मैं बिहार से हूँ मूलतः, दरभंगा मेरा जन्म स्थान है, और लेकिन मेरा पूरा बचपन पटना में बीता है और स्कूल वगैरह जो कुछ भी पढ़ाई हुई है वो पटना में हुई है। क्लास सिक्स में मैंने पहली बार स्कूल में पदार्पण किया और उसके पहले मेरे पिताजी घर पे मुझे कुछ कुछ पढ़ाया करते थे, गणित और भाषा वगैरह कुछ पढ़ाया करते थे। छठी क्लास में जाने के बाद अचानक बहुत सारा परिवर्तन समझ आया, क्योंकि जब घर पे रह करके पढ़ाई होती थी, पिताजी पढ़ाया करते थे, तो बाउंड्रीज बड़ी कम थी, बंधन बड़े कम थे। वो ऐसा नहीं था कि 8:50 से 9:40 तक हमें गणित ही पढ़ना है या 9:40 से 10:30 तक हमें अंग्रेज़ी ही पढ़ना है, ऐसा नहीं था। बीच बीच के अंदर में तमाम घर में जो चीज़ें हुआ करती हैं वो व्यवधान भी होते थे, डाइवर्जेंस भी होते थे, पढ़ाई भी होती थी। वहाँ से अब स्कूल सिस्टम के अंदर में वो डिसिप्लिन्ड, प्रोग्राम्ड, स्ट्रक्चर्ड, रेजिमेंटेड वो इन्वायरमेंट मिला, तो समझ ही नहीं आया कि इसमें कैसे पढ़ाई हो सकती है, ऐसे वातावरण में कैसे पढ़ाई हो सकती है, लर्निंग कैसे हो सकती है ऐसे वातावरण में। तो बहुत असहज वहाँ पर महसूस हुआ और नतीजा ये हुआ कि हमारे स्कूल्स के डेज जो हैं, क्लास 6, 7, 8, 9 ये जो डेज हैं, उनके अंदर में पढ़ाई से कभी अपने को मैं जोड़ नहीं पाया और ख़ास करके परीक्षाओं से तो कभी भी जोड़ नहीं पाया मैं अपने को। परीक्षाओं में बहुत अच्छा नंबर लाना है, बहुत अच्छा करना है, ये कभी आया ही नहीं। तो ये सब मिलाकर के अगर प्रचलित मापदंडों में देखें, ग्रेड कार्ड्स के टर्म्स में देखें, तो स्कूलिंग कोई बहुत हमारी प्रेरणादायक नहीं है लोगों के लिए। लेकिन प्रेरणादायक एक ही चीज़ है कि खराब नंबर आने पर भी हमारे स्कूल में और हमारे जो शिक्षक हुआ करते थे वो मुझे बहुत सम्मान देते थे। ये एक बहुत एनोमली सी लगेगी कि परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, ख़राब नंबर आ रहे हैं, और ख़राब भी ऐसे वैसे ख़राब नहीं आ रहे हैं, ढंग के ख़राब आ रहे हैं, 100 में 30 भी नहीं आ रहे, इस प्रकार का रिज़ल्ट है। उसके बावजूद स्कूल के अंदर में रेपुटेशन टीचर्स के बीच ये है कि ये जो बच्चा है ये बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है और ये इसकी तो बहुत इसमें पोटेंशियल है, ऐसा है वैसा है, तो ये एक जरूर एक अलग सी। सर, ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही, मैं इस पर थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँगी, क्योंकि आज के जो स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं, टीचर, सबका फोकस अंक पे होता, मार्क्स पे होता, कि आप क्लास में कितने नंबर लाते हैं, आपने टॉप किया कि नहीं किया, इस पर बड़ा फोकस होता है। और आप कह रहे हैं कि एक तो ये बड़ी अजीब सी बात शायद आज के दौर के लोगों को लगेगी कि आप 6th class से स्कूल जाना शुरू किए, मतलब 5th तक आप स्कूल नहीं गए, ये आज के पेरेंट्स या आज के स्टूडेंट्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो एक तो ये आपने इतनी लेट पढ़ाई की, तो ये लोगों के लिए बहुत मोटिवेशनल बात होगी कि जो बच्चा कक्षा 6 से स्कूल जाना शुरू करता है वो फिजिक्स में इतना कमाल करता है कि आज उनकी बुक्स, आपकी बुक्स पढ़ के बच्चे तैयार होते हैं। तो ये बहुत जानने लायक और मोटिवेशनल एक बात हुई। सर, दूसरा आपने एक बात जो ये कही है कि अंक आप नहीं ला रहे हैं फिर भी आपको इंटेलिजेंट समझा जा रहा है, ये क्या है, ये इसको समझाइए। जी बिल्कुल, तो पहले जो आपके अपने बात कही वो मैं बिल्कुल कहना चाहूँ, बिल्कुल जो मार्क्स के ऊपर फोकस करते हैं, ग्रेड कार्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं, अक्सर उनकी लर्निंग कमज़ोर होती है।
अक्सर लर्निंग और मार्किंग अलग है, अलग अलग चीज है। तो मार्क्स के ऊपर अगर मेरा ध्यान रहेगा तो मेरी लर्निंग होगी, इसके चांसेस कम है। लर्निंग पर अगर हमारा ध्यान रहेगा तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इसके चांसेस ज्यादा है। तो एक बाय प्रोडक्ट के रूप में अगर मुझे अच्छा ग्रेड कार्ड मिल रहा है तो वो सबसे बढ़िया बात है, लेकिन लर्निंग सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी जो समझ है, अपना अपनी जो शक्तियाँ हैं, अंदर की जो शक्तियाँ हैं, वो उन शक्तियों को मजबूत करना और हम कर सकते हैं चीज़ों को, ये भाव रखना, वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ग्रेड कार्ड खराब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, अच्छा हो जाए तो सबसे ही अच्छा है, लेकिन खराब भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन ग्रेड कार्ड अच्छा हो और लर्निंग भी अच्छी हो तब तो ठीक, लेकिन ग्रेड कार्ड अच्छा हो और लर्निंग ठीक ना हो तो क्या करोगे? उसके ऊपर वो स्याही से 70 लिखा है कि 90 लिखा है कि 95 लिखा है कि 100 लिखा है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? अपनी जो ताकत है समझने की, चीज़ों को एनालाइज करने की, सोचने की, सिचुएशंस को समझ करके कॉम्प्रिहेंशन करने की, वो स्किल्स होने चाहिए। तो मेरे स्कूल से अगर मैं इसको करूं, जो तो आपका दूसरा पार्ट था जो मैंने ही शुरू किया कि मेरे स्कूल में मेरी रिपुटेशन इतनी हाई क्यों थी जब मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे? वो इसलिए हाई थी कि जो इम्तहान के लिए पढ़ना है वो मैंने नहीं पढ़ा, जो सिलेबस में पढ़ना है वो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमने जो कुछ भी पढ़ लिया, जहाँ से भी पढ़ लिया, उसको हमने इतनी अच्छी तरीके से उस पर चिंतन मनन किया और उसको इतनी अच्छी तरह से दूसरों को भी समझाना शुरू किया, तो लोगों को समझ आते थे कि इसमें तो बहुत पोटेंशियल है। अब अगर मैं क्लास 7th में हूँ और कहीं कोई क्लास 8 का 9th का बच्चा कहीं शिक्षक के साथ में कुछ डिस्कशन कर रहा है और मैं वहाँ पर हूँ और मुझे वो बात सुन कर के समझ आ रही है, और उसके बाद मैंने खुद से उसके ऊपर थोड़ा और समझ बूझ करके और वो चीज़ सीख ली, क्योंकि हमें मज़ा आ गया उसके अंदर में, मार्क से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो मेरी परीक्षा में आना ही नहीं है उसको, वो तो मेरे सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन वो हमने सीख लिया, वो हमने अगर सीख लिया तो फिर उसकी तो चर्चा होगी। अब त्रिकोणमिति के अंदर में एक वो होते हैं, इक्वेशंस होते हैं जिसमें दो कोणों के जोड़ का साइन को साइन निकालने के बड़े बड़े फार्मूले होते हैं। तो कभी एक ट्यूशन कहीं चल रही थी और मैं उस ट्यूशन के स्पॉट पे था, मैंने कभी भी अपने लिए कभी भी ट्यूशन नहीं की और मेरे माता पिता के लिए बहुत आभार है मेरा कि उन्होंने मेरे को कभी ट्यूशन में नहीं डाला, और इसलिए हमें अपनी आंतरिक शक्तियाँ पहचानने की और उसका इस्तेमाल करने की पूरी इजाज़त मिली। लेकिन कहीं कोई ट्यूशन चल रहा था और कोई मास्टर साहब थे जो पढ़ा रहे थे अपने घर में, और हम उनके घर पर गए हुए थे किसी दूसरे कारण से, मेरे मित्र का घर रहा हो गया, और वहाँ पर हमने उनको देखा कि वो कैसा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। उस समय मैं उससे 2 क्लास पीछे था और मुझे वो बिल्कुल समझ आ गया, और उसके बाद जब हमने अपने क्लास में बच्चों को, अपने मित्रों को बताना शुरू किया तो उसकी चर्चा हो गई कि अरे ये 8वीं क्लास का लड़का, 7वीं क्लास का लड़का ये क्या साइन कोसाइन की बातें कर रहे हैं। तो ये सब कारण थे जिसके कारण से कि स्कूल में मेरी पहचान थी लेकिन ग्रेड कार्ड खराब आते थे। लेकिन बाद में स्थितियां सुधरी, जब 10वीं क्लास में मैं आया हूँ उसके बाद स्थितियां सुधरी, उसके बाद फिर किताबें, सिलेबस की किताबें पढ़ने में भी थोड़ा मन लगने लग गया, पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ना शुरू कर दिया तो 10th और 12th आपने पटना से ही किया? जी जी, पटना से। फिर ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ आपका? पटना से। जब मैंने अपना, आपने BSc किया? जी, 12th जब ख़त्म किया मैंने, तो 12th ख़त्म करने के बाद मैंने सीधा BSc में एडमिशन लिया। कोई JEE का फॉर्म नहीं भरा, कोई नीट का फॉर्म नहीं भरा, कोई मेडिकल का तैयारी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, सीधा BSc का जाकर फॉर्म भरा और BSc में मैंने एडमिशन लिया। तो आज भी जो BSc में एडमिशन्स लेते हैं उनके लिए मेरे मन में बहुत प्यार होता है, जो दूसरी जगह एडमिशन लेते हैं उनके लिए भी होता है, लेकिन BSc में एडमिशन लेते हैं उनके लिए विशेष प्यार होता है क्योंकि मैंने खुद वैसा ही किया था। सर, ये बात बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है और स्टूडेंट को ये जानना चाहिए कि जो बच्चा 6 से पढ़ाई स्टार्ट करता है, आपने जैसे कहा कि 10th और 12th में आके फिर आप एक स्टडीज़ को लेके, क्लास होता ना मार्किंग एग्ज़ाम, इसको लेके आप सीरियस हुए, सिंपल तरीके से आपने BSc किया, और मतलब एक साधारण पढ़ाई करने वाला बच्चा भी अपने ज्ञान के जरिए कितना कुछ हासिल कर सकता है, उसका एक आप जीता जाता उदाहरण है। सर, BSc करने के बाद फिर कैसे आप IIT कानपुर का रास्ता पटना से कैसे आया? BSc के दौरान एक बहुत अच्छी बात हुई कि 1971 में BSc का दो साल का मेरा ऑनर्स का प्रोग्राम शुरू हुआ,
जिसका 1973 में इम्तहान होना चाहिए था, लेकिन वो इम्तहान 1975 में हुआ। तो चार साल, दो साल का कोर्स चार साल में पूरा हुआ। वो परीक्षाएं विलंब से हुई, उस समय में काफ़ी टर्मोइल था, पॉलिटिकल टर्मोइल था। जयप्रकाश नारायण का वो संपूर्ण क्रांति आंदोलन हो रहा था, तो सारे कॉलेजेस स्कूल सारे डिस्टर्ब थे। तो एक बहुत बड़ा अवसर मिला मुझे पढ़ने का। अच्छा। क्योंकि परीक्षाएं तो है ही नहीं, जब परीक्षाएं नहीं है तो अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं। तो अपनी मर्जी से पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सेल्फ स्टडी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सेल्फ स्टडी करना और अपनी मर्जी के अनुसार पढ़ना। सेल्फ स्टडी में भी अगर मेरे ध्यान पर परीक्षा है, सिर्फ कोर्स है, कोर्स है परीक्षा है, तो फिर अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर वो नहीं है, मेरे को पढ़ना है इसलिए पढ़ना है, अच्छा लग रहा है इसलिए पढ़ना है, लोग फिल्म देखते हैं अच्छी लगती है इसलिए फिल्म देखते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं अच्छा लगता है इसलिए क्रिकेट का मैच देखते हैं, टेनिस खेलते हैं अच्छा लगता है इसलिए टेनिस खेलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ना इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मेरे को सौभाग्य से दो साल का एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिला जिसमें मैंने खूब सारी पढ़ाई की। क्या क्या पढ़ा सर आपने? कोर्स के अलावा क्या पढ़ लिया? कोर्स का ही पढ़ा हमने, कोर्स का ही पढ़ा, वही फिजिक्स पढ़ी हमने, वही ऑप्टिक्स पढ़ी हमने, वही मैकेनिक्स पढ़ी मैंने, वही क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी मैंने, वही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ी मैंने, कोर्स का ही पढ़ा मैंने। लेकिन कोर्स के लिए, इम्तहान के लिए जितना ज़रूरी था उससे कहीं आगे बढ़ के पढ़ा। तो पटना के अंदर में जितनी दुकानें हमें किताबों की मिलती थी, उसके अंदर में जितनी किताबें हमें फिजिक्स की, बीएससी के स्टैंडर्ड की मिलती थी, वो सब हम खरीद कर लाया। अलग अलग पब्लिकेशन की, अलग अलग पब्लिकेशंस की, अलग अलग राइटर की, विदेशी लेखकों की, हिंदुस्तानी लेखकों की, वो पढ़ा, वो पढ़ने में आनंद आया। तो फिजिक्स के ही ये जो दीवानगी थी कहना चाहिए फिजिक्स के प्रति, ये बीएससी में आई कि हाई स्कूल इंटर शुरू हो गया था? नहीं, ऐसा दीवानगी कुछ नहीं होती है, दीवानगी कुछ नहीं होती है। देखिए, या प्यार कहें, मतलब फिजिक्स इतना अच्छा लगना, वो आप किसी के लिए भी हो सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स के लिए भी हो सकता था, केमिस्ट्री के लिए भी हो सकता था, किसी के लिए भी हो सकता था। मूल बात है कि आप लर्न करके प्रसन्न होते हो कि ग्रेड कार्ड लेके प्रसन्न होते हो। आपको कोई बात समझ आ गई इसलिए आपको खुशी हो गई बहुत सारी, या आपको अच्छा सा नंबर मिल गया किसी कंपटीशन के अंदर में, कहीं पर अच्छी जगह पर एडमिशन मिल गया, उसके लिए आपको खुशी होती है। लेकिन सर आज के ज़्यादा स्टूडेंट इसीलिए खुश होते हैं, मार्क्स मिल गए, तो इसलिए पछताते भी है, इसलिए पछताते भी हैं। अगर हम लर्निंग करने से मुझे खुशी मिलती है, अगर मैं कुछ नई चीज़ें खुद से सोचता हूँ, कुछ करता हूँ, कुछ चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, उसमें कुछ इनोवेशन करता हूँ, कोई डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को किताब में लिखा होगा लेकिन मैं अपने ढंग से करता हूँ, तो उसकी अगर खुशी होती है तो उस व्यक्ति का करियर हमेशा अच्छा होने वाला है, वो कंपटीशन में पास करने के चांसेस भी उसके ज़्यादा अच्छे हैं, और अगर वो नहीं भी पास करेगा तो भी वो अच्छा करेगा। और अगर ये लर्निंग नहीं हुई है, अगर आपको लर्न करके खुशी नहीं होती है, आपको इसलिए मज़ा नहीं आ गया कि आपने कुछ नई चीज़ सीख लिया, आज कुछ नई टेक्निक सीख लिया आपने, कोई नया कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, किसी कॉन्सेप्ट को जो किताब में लिखा था उसको और अच्छी तरह से आपने देख लिया, और चार जगह से आपने उसको पढ़ाई कर लिया, चार लोगों को समझाया उसको आपने जा करके, तो उससे अगर आप प्रसन्न नहीं हो रहे हो कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, ये तो आएगा ही नहीं इम्तहान के अंदर में, मैं क्यों पढ़ूँ, तो अंत में क्या होगा आपके इम्तहान में? आप हो सकता है बहुत अच्छा कर लो, हो सकता है आपको अच्छा से अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर में एडमिशन भी मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी आपका करियर बहुत अच्छा होगा इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है उसके चांसेस। क्योंकि हर जगह आदमी को सीखना होता है, पूरी ज़िंदगी पूरे प्रोफेशन में भी जब आप जाएंगे, किसी भी प्रोफेशन में आप जाएंगे, 30-40-45 साल जो वहाँ पर रहना है, काम करना है, वहाँ पर आपको दिखाना है कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पर आपका करियर बनता है, वहाँ पे आपकी पहचान बनती है। तो तमाम लोग आईआईटी के अंदर में एडमिशन लेते हैं, तमाम लोग एम्स के अंदर में एडमिशन लेते हैं, तमाम लोग डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स लेते हैं, तमाम लोग आईएएस बनते हैं, लेकिन पहचान बहुत कम लोगों की होती है जिसको जाना जाता है ये व्यक्ति है। वो तब होता है जबकि हमारी ये जो खुद से पढ़ने की, खुद से लर्न करने की, अपने को एम्पावर करने की ये ताकत में बढ़ाऊंगा तभी वो होगा। तो ये अच्छे मार्क्स और ये सब को बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। उसमें आपकी ज्ञान आपने कितना हासिल किया है, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्ञान तो हासिल हो जाता है, विकिपीडिया पढ़ लो, बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन क्या मैं
कुछ सेल्फ डिज़ाइन कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ सेल्फ क्रिएट कर सकता हूँ, क्या मैं एक अच्छा से एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता हूँ किसी कॉन्सेप्ट के लिए, क्या मैं इन्हें एक कॉन्सेप्ट सीखा है उसको दूसरी जगह अप्लाई कर सकता हूँ, ज़िंदगी में अप्लाई कर सकता हूँ। फिज़िक्स की बात अगर हम करें तो फिज़िक्स में हमने बहुत कुछ सीख लिया, मान लीजिए हमने कुछ मैकेनिक्स के अंदर कुछ मोशन वगैरह सीख लिया, हमने रोलिंग ऐसे होती है, रोटेशन वैसे होता है, ये होता है, तमाम जो ज़िंदगी के अंदर में चीज़ें घूमती रहती हैं, रोटेशन होता रहता है, रोलिंग होती रहे, पहिए घूमते रहते हैं, साइकिल हम चलाते रहते हैं, क्या हम अपने उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? किताब में तो नहीं लिखा है, हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, लेकिन क्या हम कपड़े पहनते समय में, क्या हम गिलास से पानी पीते समय में, क्या हम इन परिस्थितियों के अंदर में वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं क्या? किताब में तो नहीं लिखा है लेकिन हमने तो पढ़ा है। तो ये अगर हम सेल्फ क्रिएशन कर सकते हैं कुछ चीज़ों का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो बीएससी में जो 2 साल आपको एक्स्ट्रा मिले, वो सारी ये सारी जो आपके अंदर चीज़ें करने का ज़्यादा अवसर मुझे मिल गया। अच्छा। लेकिन वो नहीं भी मिलता तो भी शुरू से बचपन से स्कूल डेज से, चूँकि इम्तहान को मैंने कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, खराब नंबर हैं तो हैं, अच्छे नंबर हैं तो हैं, मेरे को कहाँ खुशी मिल रही है, मेरे को खुशी मिल रही है अगर हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सीख लिया आज। तो वो जो एक अप्रोच है, वो जो एक अप्रोच है कि मैं अपने को मैं एम्पावर कर रहा हूँ, अपने स्किल्स बढ़ा रहा हूँ, और वहाँ से मेरी जो ड्राइव मिल रहा है मुझे पढ़ने के लिए, वहाँ से मिल रहा है कि मेरी अपनी एम्पावरमेंट हो रही है। तो परीक्षा को चूँकि हमने नेग्लेक्ट किया, खराब नंबर मिल रहे हैं तो हम दुखी नहीं हो गए, अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो ठीक है, मिल गए तो मिल गए, कोई बात नहीं है। तो वो जो मैंने उसको इम्पोर्टेंस कम दिया है और अपनी लर्निंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, अपना एम्पावरमेंट खुद किया है, खुद से चीज़ें क्रिएट की हैं, खुद से चीज़ें बनाई हैं, खुद से सिचुएशंस एनालाइज किए हैं, कॉम्प्रिहेंस किए हैं, वो अंत में काम आता है। सर एक चीज़ और बताइए, आज के जो स्टूडेंट्स हैं जब वो हाई स्कूल में ही आते हैं, जितने भी लोगों से बात होती है, वो एक टारगेट फिक्स, जैसे ही वो 9th पास करके 10th में आए, उनका ये होता है हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें रैंक लानी है, हमें टॉपर बनना है। जब आप बीएससी में पढ़ रहे थे उस समय आपके मन में क्या विज़न था, आपको क्या बनना है, कोई बनने का कैरियर का कोई विज़न था? बिल्कुल था, मुझे शिक्षक बनना था, टीचर बनना था, पक्का था बिल्कुल, कोई उसमें थोड़ा सा भी शक शुभा नहीं था। बिहार के अंदर में बीएससी करने जो जाते थे बच्चे, अधिकांश आईएएस की तरफ एक परंपरा थी, एक परंपरा बिहार के बहुत आईएएस आज भी आपको सब जगह मिलेंगे, तो एक परंपरा थी कि जो भी ग्रेजुएशन में होता है बीए बीएससी वगैरह करते हैं, तो उसमें से जिनको लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, वो सब आईएएस के लिए उनकी रहती थी। लेकिन मेरा टारगेट बहुत फिक्स था, मुझे शिक्षक बनना है, क्योंकि शिक्षक के पास जितनी अपॉर्चुनिटी होती है लर्निंग करने की और लर्निंग कराने की, वो किसी के पास नहीं होती है। तो आपको क्लियर था? तो मुझे बहुत क्लियर था, इसीलिए हमने कोई इंजीनियरिंग नहीं किया, इसीलिए हमने कोई मेडिकल में जाने का, किसी दूसरे प्रोफेशन में आई इसमें किसी चीज़ में जाने का मैंने कोई फॉर्म ही नहीं भरा। बीएससी करना है, एमएससी करना है, पीएचडी करना है और कहीं ना कहीं शिक्षक बनना है। सर जैसे आप एक नॉर्मल फैमिली से आए, आपके भी पेरेंट्स भी कोई इतने बहुत रिच या बहुत वैसी फैमिली के नहीं थे, तो क्या इस पढ़ाई के दौरान फाइनेंशियल हर्डल भी थी, कुछ स्ट्रगल भी करना पड़ा आपको? तो क्या अगर करना भी पड़ा तो क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार सर स्टूडेंट, मैं इसलिए बात सर पूछ रही हूँ, कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं, अगर ये होती तो हम ये कर लेते, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या आपको लगता है रिसोर्सेज फैसिलिटी ना होना ये एक हर्डल होता है आपकी तरक्की में? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए क्या हो गया है अभी कि स्टूडेंट्स ने, पूरे समाज का ये वातावरण हो गया है कि हमने स्टूडेंट्स के मन में ये बिठा रखा है कि आप अपने से कुछ नहीं कर सकते हो और इसलिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, इसलिए आपको सपोर्ट्स चाहिए, इसलिए आपको सहारे चाहिए, और सहारों के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, उन सहारों के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, ढूंढे जाते हैं कहाँ से अच्छा सहारा मिलेगा जो कि हमें अच्छे से इम्तहान में पास कराएंगे। तो ये सहारा लेने की जो प्रवृत्ति है, ये मनुष्य को क्या करेगी,
ये मनुष्य को असहाय बनाएगी ना, ये उसको पंगु बनाएगी ना, ये तो कभी उसको मजबूत बनाने ही नहीं देगी। तो आप जितना रिसोर्सेज के पीछे भागोगे, जितना आप कहोगे कि मेरा स्कूल ऐसा होना चाहिए, मेरा स्कूल वैसा होना चाहिए, मेरे स्कूल में ये फैसिलिटी होनी चाहिए, वो स्मार्ट क्लास होना चाहिए और वो फलाना होना चाहिए और ये टूर की ये व्यवस्था होनी चाहिए और लैब विजिट्स होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, हमारा जो हमें एक अच्छा सा ट्यूशन सेंटर भी होना चाहिए, कोचिंग भी होना चाहिए। मैं बिना कोचिंग के तो स्टूडेंट पढ़ ही नहीं पा रहे। तो हाँ, क्यों भाई ये जो आप उनको बैसाखियाँ इतनी सारी पकड़ा रहे हो, तो आप मान के चल रहे हो कि ये अपने से तो ये चल ही नहीं सकता है, अपने से तो चल ही नहीं सकता है, तो उसको व्हीलचेयर पकड़ा दोगे, कभी कभी उसको ये पकड़ा दोगे, कभी वो खड़ा होने की कोशिश भी करेगा तो चार लोग पकड़ करके उसको खड़ा करोगे, अरे तो फिर वो कब चलेगा भाई, और उसके पैरों में कहाँ से ताकत आएगी, और आज आप ये सब करके उसको कभी ले जाके छोड़ दोगे। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है लोगों की, कि आप क्लास सिक्स में हैं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, क्लास सेवन्थ में हैं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो क्या वो ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, धमाका कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बारहवीं पास किया नहीं, सब ने अपने अपने हाथ खींच लिए। अब आप चले गए आईआईटी के अंदर में, आप चले गए एम्स के अंदर में, आप चले गए किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर में, अब आप बताओ वहाँ पे बीटेक फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, कौन उसको ट्यूशन देता है, कौन उसके लिए कोई टेस्ट सीरीज तैयार करता है? फिर वो बच्चा आईआईटी में आकर के एकदम खो जाता है, क्योंकि उसको अभ्यास तो पड़ा हुआ है सहारों का, सहारों के बिना उसने चलना सीखा नहीं है, और सहारों के बिना अगर चलना सीखा नहीं है और आप आ गए एक इंस्टीट्यूशन के अंदर में और आपके सारे सहारे छीन लिए गए अचानक, वन फाइन मॉर्निंग आप देखते हो कि अब मुझे जो करना है मुझे ही करना है, और आपने उसका कोई आपको उसका संस्कार नहीं बनाया, कोई उसका अभ्यास नहीं, क्या हालत होगी? तो आप बहुत बार सुनते होंगे कि आईआईटीज के अंदर में डिप्रेशन बहुत है, बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर में लोगों के छात्रों में बहुत सारा डिप्रेशन होता है, बहुत सारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, इसीलिए होते हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आने के बाद पहले साल में बहुत स्ट्रगल करते हैं लेकिन उसका ट्रैक पर आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं भी आ पाते हैं। जो नहीं आ पाते हैं उनको तो बहुत मुश्किल पड़ती है। तो इसलिए ये जो कोचिंग है, ये जो ट्यूशन्स हैं, ये जो सुविधाएँ हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं जिसके लिए लाखों रुपये खर्च करना पड़ता है, ये वास्तव में आपको एम्पावर नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव में आपको कमज़ोर कर रहे हैं। तो आप जाओ कोचिंग इंस्टीट्यूट, जाओ आप करो ट्यूशन, करो जो कुछ करना है करो, लेकिन ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना है बच्चों को, ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक हम अपने से नहीं करेंगे, हम अपने में इतनी शक्ति नहीं लाएंगे कि बिना ट्यूशन के बिना कोचिंग, उन्होंने जो पढ़ाया ठीक है उसमें से हमने कुछ रिसीव कर लिया अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से बिना उनके बताए हुए हम खुद से अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, किताब पढ़ के हम समझ सकते हैं, एक किताब से नहीं समझ आया तो हम चार किताबें पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, किताब पर भी हम भरोसा नहीं करते, किताब में लिखा है तो ठीक है, नहीं हम एनालाइज करेंगे, मैं डिसाइड करूँगा कि किताब में ठीक लिखा है कि गलत लिखा है, मुझे लगता है किताब में गलत लिखा है तो मैं दूसरी किताब देखूंगा, तीसरी किताब देखूंगा, चौथी किताब देखूंगा, इससे कंसल्ट करूंगा, उससे कंसल्ट करूंगा, अपना एजेंडा मैं डिसाइड करूंगा, मेरा ट्यूटर डिसाइड नहीं करेगा। सर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने स्टूडेंट्स से सवाल कहा कि आपको क्या सवाल है, इन जो खास तौर पर जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने देश के अलग अलग हिस्सों से, कोई असम से पूछ रहा था, कोई कश्मीर से पूछ रहा था, सबकी सवाल ये थे कि हम कोचिंग या तो हमसे बहुत दूर है या हमारी ऐसी कंडीशन नहीं कि हम कोचिंग अफोर्ड कर पाएँ, और पेरेंट्स के भी ये सवाल थे। तो मुझे उम्मीद है जो प्रोफेसर वर्मा बोल रहे हैं उनको, उन स्टूडेंट्स को ये जवाब मिल गया होगा कि अगर आप कोचिंग नहीं कर सकते तो इसके लिए कोई आपको ये इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, आप सेल्फ स्टडी से आप बुक्स देखिए, आप ये देख सकते हैं कि भाई कौन सी बुक पढ़ी जाए, एक बुक में नहीं आ रहा दूसरी बुक आप पढ़िए, और सेल्फ स्टडी से भी ये आप कंपटीशन पास कर सकते हैं, इसके लिए कोई इतना परेशान होने की, लोग सोचते हैं कि अगर कोचिंग हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल में जो आपकी ये बातचीत है इससे उन्हें ये जवाब मिल गया होगा। आप ये देखिए कि ये जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं आई आई टी के और नीट के, उसका कितना कट ऑफ होता है,
जो कॉम्पिटिशन में पास कर गए जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो समझ आ जाता है कि हाँ ये तो बहुत बड़े अचीवमेंट हो गया उनका। कट ऑफ कितना होता है? कट ऑफ बहुत कम होते हैं, 100 में कई बार 20 होते हैं, कई बार 15 होते हैं, रिजर्व कैटेगरीज में 7, 8, 10 होते हैं। इतनी कोचिंग करके, इतना मेहनत करके, और अब अच्छे वाले में पहुंच गए हो, आप पास कर गए हो, नंबर कितने लाए? 100 में 20, 80 नंबर तो गलत कर दिया है उन्हें। क्या इतनी भी ताकत नहीं थी कि हम 100 में 20 ले आते खुद से? क्या इतनी भी ताकत नहीं हम अपने में पैदा कर पाए पूरी इतने 12 साल पढ़ाई करके? इतनी सी भी अपने अंदर में हम शक्ति नहीं लाए कि बिना किसी सपोर्ट के हम 100 में 20 तो ले आए? हाँ ये है कि 100 में 70 हम अपने से ला सकते थे, हमें और सपोर्ट वपोर्ट मिल गया, 100 ले आए, 90 ले आए, 80 ले आए तो बात समझ आती है। लेकिन ऐसी अगर अपनी परिस्थिति है, रिजर्व कैटेगरीज के तो कट ऑफ 5-7% हो जाते हैं कई बार, 100 में 5 लाते हो तो यू आर द बेस्ट, आप पास हो गए, आपका एडमिशन हो गया। तो काहे की कोचिंग, काहे का ट्यूशन भैया? अपने ऊपर थोड़ा भरोसा तो करो, अपने ऊपर थोड़ा भरोसा तो करो, अपने ऊपर थोड़ा बिलीव करो, अपने ऊपर यू आर द बेस्ट। मैं क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? आखिर सिलेबस है कोई ऐसे जगह से सिलेबस, थोड़ा शत्रु ने थोड़ी सिलेबस बनाया है कि जो कि आपसे हो ही नहीं सकता है और आपके ऊपर थोप दिया है वो सिलेबस, ऐसा थोड़ी है। अपने भारत जो कुछ भी आ रहा है बुक से कहीं ना कहीं से आ रहा है भाई, एग्जाम में तो है नहीं, क्वेश्चन पेपर कहीं से भी आ गए। हाँ, और जो भी बुक्स हैं, किताबें हैं, सिलेबस है, क्लास 11 के लिए क्या होना चाहिए, 12 के लिए क्या होना चाहिए, 10 के लिए क्या होना चाहिए, नीट का आपका है उसके लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, तो वो हमारे ही लोगों ने तो बनाया है। कौन सा ऐसा थोड़ी है कि हमारे किसी पाकिस्तान से बन के आया है या चाइना से बन के आया है या ऑस्ट्रेलिया से बन करके आया है कि हमें कुछ समझ नहीं आ सकता, ऐसा थोड़ी है। इतना तो बिलीव करो अपने ऊपर, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। सर फिर आपने बीएससी पटना से किया, कानपुर आईटी कैसे और कब पहुँचे आप? बस बीएससी करने के बाद एमएससी करना था, तो अब एमएससी कर पटना से भी मैं कर सकता था, एमएससी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये था कि हाँ वो कुछ और बढ़िया फिजिक्स कहीं से और अच्छी, उन शिक्षकों से तो पढ़ चुका मैं उसी कॉलेज के अंदर में या उसी यूनिवर्सिटी के अंदर में, वही शिक्षक हमें एमएससी में भी पढ़ाते, तो आईआईटी कानपुर का ध्यान पर आया कि यहाँ पर भी 2 साल की एमएससी होती है तो कोशिश की जाए, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया, उसका टेस्ट हुआ, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ। आजकल तो सभी आईआईटीज का मिला के एक साथ होता है, जैम बोलते हैं, JAM। उस समय जहाँ जहाँ ये 2 ईयर एमएससी थी वो सब इंस्टीट्यूट अपना अपना खुद का इम्तहान लेते थे, तो मैं पटना से कानपुर आया, इम्तहान में बैठा यहाँ पर कानपुर में, उसमें पहले स्क्रीनिंग होती है, उसमें सेलेक्शन हुआ, उसके बाद जिनका स्क्रीनिंग होता है उनका इंटरव्यू किया जाता है, तो इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के अंदर में हमने उनके प्रश्नों के अच्छे जवाब दे लिए, उनको संतुष्टि हुई तो उन्होंने सिलेक्शन कर लिया। ये किस ईयर की बात है सर? 1975। वो आपको बताया था मैंने ना, 1973 में मेरा होना चाहिए था। अच्छा, फिर 75 में आप 75 में हमारे इम्तहान हुए, रिजल्ट्स निकले 75 में, तो उसके बाद 75 का ही जो 75-77 का सेशन था एमएससी का, वो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। शुरू में बड़ी तकलीफ हुई भाषा के कारण। अच्छा, भाषा के कारण बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि यहाँ पर सारा काम अंग्रेजी में हुआ करता था। अच्छा। आईआईटी कानपुर में, और वहाँ पर हिंदी थी, तो हम हिंदी भाषी क्षेत्र, वहाँ पे सभी कॉरिडोर में यहाँ वहाँ सब हिंदी में बात करते थे। हाँ, किताबें ज़रूर बीएससी के समय में किताबें ज़रूर अंग्रेजी की थी, जो लेक्चर्स होते थे वो भी शिक्षक आके अंग्रेजी में ही होते थे, थोड़ी बीच बीच में हिंदी भी आ ही जाती थी, लिखने का काम भी हमने अंग्रेज़ी में ही किया, लेकिन अंग्रेज़ी सुनना और बोलना भी, और बोलना ये जो है इसका बहुत कम अभ्यास था। तो कैसे मैनेज किया आपने? फिर से वही चीज़ है, अगर आप बिना सहारे चलने की आप में क्षमता है, आप खुद से चल सकते हो, अपने पैरों पर चल सकते हो, पैरों में ताकत है, मसल्स मजबूत हैं, कसरत की हुई है, व्यायाम किया हुआ है, तो आप दुर्गम स्थानों पर भी चल सकते हो, उबड़ खाबड़ में भी चल सकते हो, खराब रास्तों पर भी चल सकते हो, आपको बढ़िया राजपथ नहीं चाहिए। तो ये हमें भाषा समझ नहीं आ रही है, शिक्षक कुछ बोल रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये तो मालूम है ना कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ाई हुआ है, उसका टॉपिक तो मुझे पता है ना कि आज ये चैप्टर पढ़ाई हुआ है, कुछ इक्वेशंस उन्होंने लिखे हैं बोर्ड के ऊपर वो तो मुझे पता है ना कि अच्छा उन्होंने ये इक्वेशंस लिखे हैं, तो अगर मेरे में ताकत है तो इतना बहुत है मेरे लिए,
मेरे लिए इतना बहुत है, उन्होंने नहीं समझाया तो क्या होगा, मैं समझ लूँगा ना, किताब तो है मेरे पास में, IIT कानपुर की सेंट्रल लाइब्रेरी तो है, लाइब्रेरी के अंदर में तो तमाम लिटरेचर भरा पड़ा है। आज तो ऑनलाइन हो गया, आज तो विकिपीडिया हो गया, आज तो गूगल हो गया, उस समय वो नहीं था। लेकिन हाँ, अपने ऊपर अगर विश्वास है तो हम कर सकते हैं। उस फर्स्ट सेमेस्टर में जिसमें कि मुझे किसी शिक्षक का एक को छोड़ करके, जो बिहार के ही थे और अंग्रेज़ी भी बड़ी प्यार से धीरे धीरे बोलते थे, ज्ञान मोहन नाम था उनका, तो उन एक शिक्षक को छोड़ के बाकी किसी शिक्षक की अंग्रेज़ी मुझको 10% भी समझ नहीं आती थी। लेकिन हाँ, मालूम था कि आज ये डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, आज ये चैप्टर चल रहा है, आज वो चल रहा है, और उसके लिए कहाँ किताबें हैं, कहाँ उसके प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ उसके न्यूमेरिकल्स हैं, क्या है वो हैं, वो चीज़ें हैं, तो पढ़ लिया। और फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्लास में टॉप किया, सेकंड में भी टॉप किया, थर्ड में भी किया, फोर्थ में भी किया, पूरे MSc में भी टॉप। अरे वाह, अच्छा, पूरे MSc में भी टॉप किया। वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप सहारों पर जिंदा रहोगे ना, तो जिंदगी के राहों में कब मुश्किलात आ जाएंगी, कब वो आपको लगेगा कि अब क्या करूँ, वो आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने खुद से अपने को इतना शक्तिशाली बनाया है कि आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, आप खुद से कर सकते हो, यू कैन क्रिएट न्यू सिचुएशंस, और अगर कोई सिचुएशन में फंसे हैं तो यू कैन क्रिएट योर ओन वेज, आप उसमें से रास्ते खुद निकालोगे। ये अगर अपने अंदर हमने क्षमता विकसित की है और अपने ऊपर विश्वास है हमें, हम कर सकते हैं, तो ज़िंदगी की तमाम ऊँची नीच के अंदर में से हम अपने रास्ते निकालेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। फिर सर, MSc के बाद PhD भी आपने कानपुर IIT से ही किया, उसमें क्या आपका स्पेशलाइजेशन, क्या सब्जेक्ट था? उसमें हमने न्यूक्लियर फिजिक्स आधारित एक्सपेरिमेंट्स किए थे ज़्यादातर। अच्छा। और वहाँ पर भी मेरे को यही सहायता, इसी के कारण से मेरी PhD बनी थी, क्योंकि मेरे जो PhD सुपरवाइज़र थे वो मुझे कुछ साल भर के बाद छोड़कर चले गए थे, और वो सारी PhD मुझको खुद से करनी पड़ी थी बिना सुपरवाइज़र के। अच्छा। क्योंकि वो बेल्जियम चले गए, बेल्जियम पहुंच करके वहाँ उन्होंने कुछ 2 साल वगैरह का कुछ असाइनमेंट था उनका, और अब यहाँ से उनके साथ में संपर्क करना, उनसे गाइडेंस लेना, इसकी बहुत कोई व्यवस्था ही नहीं थी। फ़ोन हम कर नहीं सकते थे कि हम बेल्जियम फ़ोन करें, और उन दिनों इतना मेल और ये मेल तो था ही नहीं। हाँ। मेल था ही नहीं, जो भी कम्युनिकेशन था बाय पोस्ट था, और बाय पोस्ट जाने में करीब 15 दिन का समय लगता था। हम बना करके पैकेट्स भेजते थे उनको, लेकिन वो 15 दिन जाने में लगते थे, 15 दिन आने में लगते थे, और उसके बाद उन्होंने जितना समय लेना था उतना। तो एक बात करने के लिए अगर 1 महीने का समय लगेगा तो उनसे थोड़ी हमें गाइडेंस मिल रहा है। लेकिन ठीक है, उनसे भी गाइडेंस नहीं मिला तो भी हमारी PhD कंप्लीट हुई। IIT तो बिना गाइड के आपने PhD कर डाली? ऑलमोस्ट ऑफकोर्स गाइड थे। हाँ, मतलब थे, लेकिन लेकिन गाइड का कंट्रीब्यूशन जो है वो इंस्पिरेशन का ही कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने भी मुझे हमेशा प्रेरित किया, हरीश यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम करो, तुम अपना डिसाइड करो कैसे करना है, क्या करना है। 1 साल में मैंने सिखा दिया ना, 1 साल में मैंने तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना सिखा दिया, इंस्ट्रूमेंट्स दिखा दिए, ये कर दिया, अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है और क्या इस्तेमाल करना है और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्या रिसर्च करना है, आप खुद से डिसाइड करो और खुद से करो और हमें बताते रहो। कर डाला। नहीं, जब आपके प्रोफेसर ने आपको बताया कि अब मैं बेल्जियम जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा पैनिक हुए थे, थोड़ा डरे थे आप? थोड़ा सा डरे तो नहीं थे, थोड़ा अच्छा नहीं लगा था कि जा रहे हैं, क्या स्लो हो जाएंगी, लग रहा था कि चीज़ें स्लो हो जाएंगी। वो एक रहने से, उनके रहने से बहुत कॉन्फिडेंस होता था, कहीं कुछ समस्या है तो हाँ उनके पास जा सकते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा तो चलेगा। फिर PhD आपने किया और फिर यहीं पे आप फैकल्टी हो गए? नहीं, नहीं, मैं जिन परिस्थितियों से गुजरा था स्कूल में, कॉलेज में, जिन परिस्थितियों से मैं गुजरा था, स्कूल में जिस प्रकार का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड था, उसके बाद से मैंने जैसे जैसे मेरी खुद का जीवन आगे बढ़ा, मेरे मन में एक बहुत तीव्र इच्छा थी। शिक्षक तो बनना ही था, कहीं पर भी बन सकते थे, लेकिन हम ऐसे ही ऑडियंस में जाना चाहते थे जिसमें से हम खुद निकल करके आए थे। मतलब आप उसी तरीके के बच्चों जिनके पास सुविधाएं नहीं, आप उनको पढ़ाना चाहते थे, उनके पास जाना चाहते थे,
उनके पास जाना चाहते थे हम, तो इसलिए एमएससी में हमारा, आपको जैसे मैंने बताया कि अपने क्लास में मैंने टॉप किया, मेरी क्लास में 15 यूनिवर्सिटी टॉपर्स थे एमएससी की क्लास में, जो मेरा क्लास था उसके अंदर जो क्लासमेट्स थे उसमें से 15 ऐसे विद्यार्थी जो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से बीएससी में टॉप करके आए थे। और आप उन सबको पीछे छोड़ते हुए अपने? हाँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप नहीं करके आया था, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में तीसरा पोजीशन ले करके आया था, तो उन सबको पीछे छोड़ते हुए हमने वो किया था। तो इस कारण से यहाँ के जो IIT कानपुर के जो प्रोफेसर थे मेरे डिपार्टमेंट के, उनको ये बड़ी आशा थी कि हरीश वर्मा जो है वो बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, अमेरिका में जाएगा, वहाँ की बर्कले में और प्रिंसटन में जा करके वहाँ पे रिसर्च करेगा और फिर वहीं रह जाएगा और बड़े इंस्टीट्यूशंस में करेगा, ऐसी उनकी बड़ी इच्छा भी थी और उम्मीद भी थी। उम्मीद भी थी, लेकिन मैंने डिक्लेयर किया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं पटना साइंस, मैं तो पटना वापस जा रहा हूँ, पटना यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तो यहाँ के लोगों को बहुत दुख हुआ, मैंने इसके लिए ज़रूर मैं दोषी हूँ कि मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को उस समय बहुत दुखी किया। सबने मेरे बहुत काउंसलिंग की कि तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा पटना जा करके, और अभी तुम ये कर सकते हो, अभी तुम वो कर सकते हो, अभी तुम वो कर सकते हो, सबने कुछ किया, लेकिन मुझे अपनी ज़िद अलग थी, मुझे अपनी ज़िद अलग थी। उस समय हमें क्या पता था कि आगे आप मेरा इंटरव्यू लेने वाले हो। उस समय तो हम यही सोच करके, इतना ही सोच करके गए थे ना पटना कि नहीं भाई, IITs और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर में तो हैं लोग, हैं उनका करियर सेट है, वो बन जाएंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन जो एक छोटे शहर के अंदर में जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पता भी नहीं है कि IIT कानपुर नाम की भी कोई जगह होती है, उनकी अपनी जो पढ़ाई है, उनका जो अपना एक वो है, उनको एक नज़रिया उनका हम बदल पाएँ, उनको हम कुछ ऐसा कर पाएँ जिससे कि उसमें से भी लोग निकल करके और आगे बढ़ें, तो ये प्रबल इच्छा उन सब पे भारी पड़ी। और पटना यूनिवर्सिटी से उसी समय में PhD मेरी ख़त्म हो रही थी, उसी समय में टेम्पररी अपॉइंटमेंट का एडवर्टीजमेंट निकला, मैंने उसमें अप्लाई किया, मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया फटाफट, और मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया कि मैं जा रहा हूँ। तो आप पटना? तो पटना चला गया मैं, पटना यूनिवर्सिटी में 1979 में मैंने एज लेक्चरर ऑफ फिजिक्स ज्वाइन कर लिया। सर उन दिनों आपके पेरेंट्स फादर थे, तो उनको उन्होंने नहीं कहा कि यार बेटा इतनी बढ़िया पढ़ाई करके क्यों नहीं जा रहे हो विदेश? ना, 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 उनका क्या रिएक्शन था? अच्छा ही है ना, घर में आ रहे हैं। अच्छा, उनको खुशी थी। अच्छा, क्योंकि सर मैं सर ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि ये बच्चा तो सोचता है उससे ज़्यादा पेरेंट्स को बहुत रहता है कि मेरा बच्चा पढ़ ले बहुत, वो कहीं विदेश चला जाए किसी बड़ी कंपनी में जब खूब सारा पैसा कमाए, और जो साधारण परिवार के लोग होते हैं उनको बड़ी उम्मीद होती है कि बच्चा बिल्कुल लाइफ बदल दे। क्योंकि आपने ये सोचा कि मुझे दूसरों की लाइफ बदलनी, दूसरों को एजुकेशन देना, ऐसा तो बहुत मतलब रेयर लोग सोचते हैं, तो आपके फादर ने नहीं, उन्होंने कहा ठीक है यहाँ आके पढ़ाओ? देखो क्या है कि हमारे पिताजी ने और हमारे बड़े भैया ने हमेशा मेरे ऊपर यकीन किया, उन्होंने कभी हम पे इम्पोज नहीं किया। हमारे स्कूल में रिजल्ट ख़राब होते थे उस समय भी वो, उनको मेरे ऊपर विश्वास था, उन्होंने कभी मुझे इम्पोज नहीं किया कि तुम जाओ फलानी जगह ट्यूशन पढ़ो, नहीं किया। तो मैं अपने निर्णय खुद ले रहा हूँ, इस बात का सबको गर्व था मेरे परिवार के अंदर में, और मैंने अगर निर्णय लिया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, हम पटना यूनिवर्सिटी में वापस आ रहे हैं, तो एवरीवन वाज प्राउड ऑफ दैट। किसी को ऐसा नहीं लगा कि हम कोई एक बड़ा करियर छोड़ करके और एक छोटी जगह के अंदर में मेरा जहाँ की कोई पहचान नहीं होगी और कुछ नहीं होगा, बस उन्हीं बच्चों के बीच में हम केवल बने रह जाएंगे। उस समय तो ऐसा ही लगा होगा लोगों को, IIT कानपुर के लोगों को भी ऐसा ही लगता था। तो मेरे परिवार से बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि तुम गलत कर रहे हो या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपने पटना यूनिवर्सिटी में फिर कितने साल आपने पढ़ाया? 15 साल पढ़ाया, मतलब कहना चाहिए आपके करियर का एक बहुत बड़ा फेज़ वहाँ गुजरा। बहुत बड़ा फेज़ वहाँ गुजरा, और सबसे बड़ी बात कि उसी 15 साल के दौरान कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स लिखी गई। अच्छा, उसी 15 साल के दौरान कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स? हाँ। अच्छा, फिर सर आप कानपुर IIT कब आए? वही 1994 में आए। 1994. कैसे वहाँ से यहाँ आना फिर कैसे हुआ? वो भी एक अलग किस्म की ही प्रेरणा थी। जहाँ पटना यूनिवर्सिटी के लिए मेरे मन में बहुत ज़बरदस्त प्यार था कि उसी ने मेरे को एक एवरेज स्टूडेंट से या बिलो एवरेज स्टूडेंट से एक टॉप स्टूडेंट बनाया। 5 साल 11, 12
और बीएससी के चार साल जो वास्तव में 6 साल बने, 4 साल का सेशन जो 6 साल बने, तो उस 6 साल के अंदर में जो पटना साइंस कॉलेज है, पटना यूनिवर्सिटी का अंग, उसने मेरे को ट्रांसफॉर्म किया, तो मेरे को वहाँ जाना था। दूसरी तरफ यहाँ जो मेरे 4 साल बीते थे, 5 साल बीते थे, 2 साल एमएससी में, 3 साल पीएचडी में, इस 5 साल में मैंने यहाँ से भी बहुत सीखा। आईआईटी कानपुर से मैंने बहुत सीखा। आईआईटी कानपुर की जो लेबोरेटरी है, आईआईटी कानपुर का जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, आईआईटी कानपुर के जो प्रोफेसर्स हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत फिजिक्स मैंने यहाँ से सीखी है। तो एक ये भी था साथ में कि जब पटना यूनिवर्सिटी को मैंने 15 साल अपने दिए, तो आईआईटी कानपुर को भी, तो यू वांटेड टू गिव बैक टू कानपुर आईआईटी, हां राइट। तो इसके लिए मैंने आईआईटी कानपुर में अप्लाई किया 1994 में, तो उन्होंने हमें सिलेक्शन कर लिया, तो फिर तब से मैं यहाँ हूँ। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे फिजिक्स यहाँ पढ़ाने लग गए। अच्छा, तो सर आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब अभी 2 साल पहले आप रिटायर, लेकिन अभी भी आप फिजिक्स पे काम कर रहे हैं, तो अभी जो आप हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिक्स में हिंदी की बुक वगैरह, लेकिन उसके बारे में बताइए। हाँ, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स ये 1992 में पब्लिश हुई थी। 1979 में मैंने वहाँ ज्वाइन किया था पटना साइंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी के थ्रू, और वहीं पे हमें 11-12 को भी पढ़ाने का मौका मिला था, क्योंकि वो जैसे मैंने वहाँ 11-12 पढ़ा था वैसे ही उसी दौरान ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स लिखी गई थी, जो 92 में फाइनली पब्लिश हुई। उसके बाद से एक बहुत डिमांड थी लोगों की, जगह जगह से मुझे पत्र आते थे हिंदी भाषी क्षेत्रों से कि हम लोग अंग्रेज़ी नहीं समझ पाते हैं, तो इस किताब का लाभ नहीं उठा रहे हैं, इसका नाम बहुत सुनते हैं सब बच्चे जो इंग्लिश वाले हैं, वो सब लेकर के और यहाँ वहाँ जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता है, तो हिंदी में आना चाहिए। तो ऐसा डिमांड बहुत था, एजेंडा पर था वो, लेकिन कभी उसको हम कर नहीं पाए। दूसरी ओर होते होते काफ़ी समय बीते गया, और 1992 से समझिए आप ये 2013-14 हो गया, तब तक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स जो वहाँ छप गई थी वही चल रही, कोई सेकेंड एडिशन आज भी नहीं हुआ है उसका, अभी भी सेकेंड एडिशन नहीं हुआ है। लेकिन इस पूरे दौरान 1992 के बाद से जो मैंने कुछ नया सीखा है, फिजिक्स नया सीखा है, प्लस उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स के साथ टीचिंग की है मैंने, इतने साल जो हमने टीचिंग की, तो उस टीचिंग में मैंने जो सीखा, जो डिलीवरी करना सीखा, जो कम्युनिकेशन करना सीखा, जो कैसे प्रेजेंट करें हम स्टूडेंट्स के सामने में, इंटरैक्ट कैसे करें हम, उनके मन में हम कैसा भाव जगा सकते हैं फिजिक्स के प्रति, अपने विषय के प्रति, ये जो हमने चीज़ें सीखी, तो इतना सीखने के बाद अब मैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पढ़ता हूँ तो लगता है कि ये क्या ख़राब किताब लिखी है मैंने, ऐसे नहीं लिखना था, इसको ऐसा करना था तो कितना अच्छा होता। तो नेचुरली जब हम 92 से और 8 साल समझो उस शताब्दी में, और फिर 10-12 साल इस शताब्दी में, तो 20-21 साल के बाद तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये थोड़ी, तो उसका एक परिवर्धित रूप करने की बहुत आवश्यकता मुझे खुद ही लग रही थी। लोगों की तरफ से तो कोई डिमांड नहीं थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स आज भी फिजिक्स कम्युनिटी के अंदर में उतने ही सम्मान से देखी जाती है जितनी कि शुरू में देखी जाती थी, क्योंकि वो अपना पर्पस सर्व कर रही है। और यहाँ पे मैं थोड़ा डाइग्रेशन लेके यहाँ पे ये भी बता दूँ वो क्यों अपना पर्पस सर्व कर रही है, इसलिए कि वो किसी परीक्षा के लिए नहीं लिखी गई है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स लिखने में ये ध्यान में नहीं रखा गया था कि ये हम नीट वालों के लिए कर रहे हैं, जेईई के लिए कर रहे हैं, या हम जो नॉर्मल 12 का बोर्ड है उसके लिए कर रहे हैं, या हम यूपीएससी के जो उनके प्रीलिम्स होते हैं उसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसी परीक्षा के लिए ध्यान में नहीं रखा गया था। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स लिखते समय में ध्यान में ये रखा गया था कि हम स्टूडेंट को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कारण से सिलेबस बदलते चले गए, परीक्षाओं के पैटर्न बदलते चले गए, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव से ये हो गया, कभी मल्टीपल चॉइस हो गया, ये वो तमाम प्रकार के सब कुछ बदलता चला गया, सिलेबस बदल गए, नए टॉपिक्स आ गए, पुराने चले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इस किताब ने अपनी उपयोगिता कम नहीं होने दी। तो वही चीज़ है स्टूडेंट्स के लाइफ में भी, अगर हम किसी खास इम्तहान को लेकर के और काम करते हैं तो हम अपने को कमज़ोर करते हैं, लॉन्ग टाइम में हम उतने इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हम अगर हमने अपने को अपनी शक्तियाँ बढ़ाई हैं, आंतरिक शक्तियाँ बढ़ाई हैं, हमने एकेडमिक का पावर अपने अंदर जनरेट किया है, तो उसके लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट होते हैं, जैसे इस कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का हुआ।
तो एनीवे, तो हालांकि उधर से कोई डिमांड नहीं है स्टूडेंट्स कम्युनिटी से कि अब भाई हमारे इस परीक्षा में ये काम नहीं आ रहा है, उस परीक्षा में काम नहीं आ रहा है, वो पैटर्न बदल गया तो आप ऐसा कर दो, आप वैसा कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में भी वो किताब जो है उतना ही स्वीकार्य है लोगों को, लेकिन मुझे तो स्वीकार्य नहीं है ना, क्योंकि मैं तो जान रहा हूँ कि आई कैन डू मच बेटर देन दिस। तो उसका एक करना था, तो वो दोनों कंबाइन किया हमने और हिंदी में उस किताब का समझिए एक परिवर्धित संस्करण लिखना शुरू किया। तो उसका एक भाग, पहला भाग जो है वो प्रकाशित हो चुका है, वो लोगों तक है, स्टूडेंट्स उसको पढ़ रहे हैं। अभी चूंकि हाल ही में वो प्रकाशित हुई है, कुछ महीने हुए हैं उसको, एक साल। तो हो सकता है सर कुछ स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम होगा उन्हें पता चल जाएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है वो हिंदी में भी आ गई है, क्योंकि कुछ है स्टूडेंट आजमगढ़ कहाँ कहाँ से, मेरे स्टूडेंट पूछा था कि क्या हिंदी में भी ये बुक अवेलेबल है, तो उनके लिए जानकारी है। तो उस किताब का नाम रखा गया है भौतिकी की समझ। अच्छा, भौतिकी की समझ, ये हिंदी में उपलब्ध है, जो हिंदी बच्चे हैं हिंदी भाषी वो सब पढ़ सकते हैं। तो एक तो ये हुआ है, और दूसरा क्या हुआ है कि चूंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि मैं इंटर के बाद बीएससी के बाद एमएससी इस स्ट्रीम से आगे आया हूँ, तो बहुत सारे हमारे लाखों छात्र जो अभी भी इसी स्ट्रीम में हैं किसी दूसरे कारण से, अगर मैं बीएससी में आया था तो मुझे बीएससी में आना था, इसलिए मैं बीएससी में आया था, मैंने जेई के फॉर्म नहीं भरे थे या और किसी चीज़ के फॉर्म नहीं भरे थे, लेकिन अभी है कि और कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं लोगों को, तो चलो बैचलर्स ही करो टाइप अधिक है, बहुत कम लोग हैं जो कि जिनको बीएससी करना है इसलिए वो बीएससी में एडमिशन्स ले रहे हैं। तो ऐसा बहुत बड़ी संख्या में हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर में लाखों की तादाद में हमारे विद्यार्थी हैं जो बीएससी में पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एनरोल्ड हैं, और उन लाखों विद्यार्थियों को वो शिक्षक नहीं मिल रहे हैं जो कि उनको फिजिक्स का दर्शन करा सकें, फिजिक्स की अनुभूति करा सकें, फिजिक्स का के प्रति उत्साह अर्जित करा सकें, खुद से वो पढ़ना शुरू करें, इसके लिए उसको प्रेरित कर सकें। मेरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि मैं किसी को कुछ समझाऊं उससे ज़्यादा है क्या मैं उसके अंदर ये प्रेरणा जगा पाया कि वो कुछ और चार किताबें पढ़ना शुरू करे मेरा लेक्चर सुनने के बाद, क्योंकि जब तक खुद से उसमें अंदर से खुद से करने का नहीं शक्ति बनेगी तब तक वो ज़्यादा प्रभावी नहीं है। तो इसके लिए मैंने बीएससी के छात्रों के लिए हिंदी में ऑनलाइन कोर्सेज देने का एक सिलसिला शुरू किया है रिटायरमेंट के बाद। तो वो है, तो ऑल हिंदी में, आपने हिंदी की बात करी तो हिंदी, तो वो ऑनलाइन लोग आपका वो जो बीएससी की क्या बुक्स है कैसे कि ऑनलाइन क्या उपलब्ध है? नहीं, वो क्या है कि आईआईटी कानपुर का एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन कोर्सेज फ्लोट करता है, प्लस मैं जिस संस्था से एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़ा हूँ शिक्षा जुपान, तो उसका एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने तैयार किया है बीएससी के लिए, बैचलर्स लेवल साइंस इन हिंदी ए लर्निंग इनिशिएटिव। इसको अगर आप लिखें और इसके शुरू के अक्षर इकट्ठे करें तो इसका एब्रीविएशन बनता है बलशाली, बैचलर लेवल साइंस इन हिंदी अ लर्निंग इनिशिएटिव। तो इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग ये कोर्सेज फ्लोट कर रहे हैं। तो इस कोर्सेज के लिए एक वेबसाइट तैयार की गई है, उस वेबसाइट का नाम है bscwarma.in। तो इस वेबसाइट के ऊपर जो आईआईटी कानपुर मेंटेन करता है इस वेबसाइट को, इस वेबसाइट के ऊपर हम लोग पक्की डेट अनाउंस करते हैं, इस तारीख से इस तारीख तक इस विषय पर ये कोर्स है। अब जैसे हमारा अगला कोर्स जो है जिसका आप ये बोर्ड पर देख रहे हैं सब कुछ लिखा हुआ है, ये कोर्स हमारा क्वांटम मैकेनिक्स पर है और ये कोर्स अगले 15 अगस्त को शुरू होगा। ओके, और वो करीब करीब 2.5 से 3 महीने तक वो चलेगा। तो लोग अपना उस वेबसाइट पे जाएं, वो तो वेबसाइट ऑन है, वो उसको लॉगिन करें, देखें और ये इस कोर्स को, बिल्कुल, तो वो उस वेबसाइट पर जाएं और उस वेबसाइट पर जाने पर वो क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अच्छा। तभी तो लॉगिन मिलेगा ना। तो जैसे आप एडमिशन लेते हो किसी कोर्स में, तो आप ये एडमिशन लेना हुआ ये, तो आप एडमिशन ले लेते हैं और वो रजिस्ट्रेशन करने की अपनी विधि वहाँ पर लिखी है, वो उसके बाद आप एक लॉगिन आपको मिल जाता है, आप अपना पासवर्ड बना लेते हो, फिर आप कभी भी कोर्स के दौरान कभी भी आप उसमें लॉगिन करके जाएंगे, फिर वहाँ पे आप वो चीज़ें कर सकते हैं।
जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स हम लोग सप्ताह में 3 लेक्चर्स एक एक करके अपलोड करते हैं, जैसे जैसे क्लासरूम में होता है, एक लेक्चर आज हो गया। सर वो रिटन वैसा टेक्स्ट होता है कि वीडियो होता है? वीडियो होता है। ओके, मैं पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, जिस रूम में आप बैठे हैं इसी रूम में उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है वो उसी का बोर्ड है। सर एक बार वेबसाइट का नाम एक बार और बोल दीजिए, हाँ लोग सुन भी लेंगे। हाँ bscc.hcvarma.in ओके, अच्छा। तो इसके ऊपर जाएंगे, इस पर रजिस्ट्रेशन होगा, और सब कई सारी इसकी खास बातें हैं इस कोर्स को करने के लिए। हाँ, तो पहले तो आप लेक्चर्स, एक एक लेक्चर एक एक दिन में अपलोड होंगे और सप्ताह में 3 होंगे। तो नॉर्मली मैं ट्यूसडे को एक लेक्चर देता हूँ, एक थर्सडे को देता हूँ, और एक सैटरडे को देता हूँ। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे अल्टरनेट करके, तो वो बच्चे उसको देख सकते हैं। और ये लाइव नहीं है, ये वो अपलोड है, वो किसी भी टाइम अपना खोल के देख सकते हैं। चलिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी। हाँ हाँ, वो किसी भी टाइम खोल कर पूरे कोर्स के दौरान वो वहाँ पर है। तो कोर्स आगे भी बढ़ गया है और आपको फिर से किसी पीछे के लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा आप देख सकते हैं, आप उसको खोल सकते हैं वहाँ पे। ये हिंदी में है पूरा? ये पूरा लेक्चर्स जो हैं वो हिंदी में हैं। वो पूरे लेक्चर्स जो हैं वो हिंदी में हैं। तो हिंदी के लिए एक दूसरा काम, ये भी मेरा इम्पोर्टेंट काम चल रहा है। और इस वेबसाइट में इस आपको आपके एंड पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन पे, जिसमें कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे जिसमें कि इंटरनेट का डेटा अवेलेबल हो, और बहुत लो बैंडविड्थ पर भी ये काम करता है, ऐसा इसको डिज़ाइन किया गया है। तो बस आपके पास में एक फ़ोन होना चाहिए जिसमें कि इंटरनेट डेटा है, जिससे आप अपना व्हाट्सअप करते हो, पूरा कोर्स इसी के ऊपर हो जाएगा। और ये सारे लेक्चर्स आप सुनेंगे, इसके बाद आपके प्रश्न होंगे, अगर प्रश्न नहीं हुए तो लेक्चर काहे का, और प्रश्न होंगे तो प्रश्नों के उत्तर भी होने चाहिए। तो इसमें एक व्यवस्था है इस वेबसाइट में जिसमें कि आप अपने प्रश्न टाइप कर सकते हैं, अपने मोबाइल से ही टाइप कर सकते हैं, और वो प्रश्न सभी पार्टिसिपेंट्स को दिखते हैं। जो भी उसमें लॉग इन करेगा उसको वो प्रश्न दिखेंगे, मुझे भी दिखेंगे एज इंस्ट्रक्टर। तो लोग आपस में एक दूसरे को जवाब देते हैं और मैं भी जवाब देता हूँ जहाँ ज़रूरत होती है। तो ये प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, ये चलते रहते हैं, और हज़ारों प्रश्न पूछे जाते हैं कुल मिला करके। एक कोर्स दे चुका हूँ, ये दूसरा कोर्स है। तो पिछला कोर्स जो मैंने दिया था उसमें कुछ 3,400 प्रश्न पूछे गए थे और कुछ 9,900 रिप्लाइज पोस्ट किए गए थे। तो यानी पूरा डिस्कशन होता है, पूरा डिस्कशन होता है। फिर हम लोग उसके बीच में कुछ परीक्षाएँ भी लेते हैं, कोर्स है तो परीक्षाएं भी होनी चाहिए। तो 3 महीने के कोर्स में या 2.5 महीने के कोर्स में हम लोग 4 या 5 परीक्षाएं लेते हैं, वो भी अपने मोबाइल से ही। आपको प्रश्न पत्र आपके सामने में खुलेगा, आप उसके आंसर दीजिए, उसके आंसर वहीं पे मोबाइल से ही आप दें, तो सब चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड होती है, आपकी अटेंडेंस यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। आपने IIT कानपुर की जो सॉफ्टवेयर टीम है वो सारा एनालिटिक्स करती है उसका। तो आप जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं मिनट बाई मिनट यहाँ पर उसको ट्रैक किया जा रहा है। तो अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं, सारे लेक्चर्स, एक छूट जाए तो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, सारे लेक्चर्स आपने पूरे देखे हैं शुरू से आखिर तक बिना फास्ट फॉरवर्ड किए हुए, तो आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाती है। और अगर आपकी अटेंडेंस पूरी है फिर आपके वो परीक्षा के जो मार्क्स है वो देखे जाते हैं। वो सब मिला करके अंत में हम लोग IIT कानपुर की तरफ से उनको एक सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं, और उसमें उसको ग्रेड भी बताते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, सेटिस्फैक्ट्री रहा, अच्छा रहा, गुड रहा, एक्सेलेंट रहा, आउटस्टैंडिंग रहा, इस तरह के ग्रेड्स भी उनको प्रोवाइड। ये तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग फिजिक्स में एक्सेल करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो ये तो बहुत ही काम की चीज़ आपने बताई। तो आप आफ्टर रिटायरमेंट आप एक तो ये काम कर रहे हैं, एक सर आपका जो लो कॉस्ट पे आप कुछ फिजिक्स के कैसे एक्सपेरिमेंट हो उसके आप कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ, वो हम लोगों का एक पुराना प्रोजेक्ट है, मैं IIT कानपुर में था तब से ये चल रहा है और शिक्षा सोपान फिर से इसको हैंडल कर रहा है। इसमें हम लोग स्कूल लेवल पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा काम हम BSc पर भी कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग इस प्रकार के छोटे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं जिनकी टोटल ड्यूरेशन 1 मिनट या उससे कम होती है,
और आइडिया ये है कि शिक्षक जब जाएं क्लास के अंदर में और कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उससे रिलेटेड वो एक मिनट का या 30 सेकंड का या 40 सेकंड का जो एक एक्सपेरिमेंट है उसको लाइव वहाँ पे परफॉर्म करें, वहाँ से वो अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करें, राइट। तो सीधा सीधा एक आज हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे ये नहीं हो करके, हम प्रकाश का जो अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, उसको आप एक बार शो कर दो, लाइव शो कर दो, और ज़्यादा समय नहीं लगता। ऐसे ही हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं वो एक्सपेरिमेंट्स, हम लोगों ने ऐसे ही डिज़ाइन किए हैं कि वो 30 सेकंड, 40 सेकंड, एक मिनट के अंदर में वो हो जाए। आप एक बार उसको शो कर दो कि इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, ऐसे लाइट बेंड होती है तो उसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। उसके बाद फिर अपना आप इक्वेशन थ्योरी जो डायग्राम बोर्ड पे बनाना है वो करो। तो इस तरह के हम लोगों ने, काफ़ी कम कॉस्ट भी आता है इसीलिए लो कॉस्ट कह रहे हैं, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दे कैन बी इंक्लूडेड इन द रेगुलर लेक्चर। आपका जो भी 40 मिनट का, 35 मिनट का, 50 मिनट का जो भी लेक्चर का पीरियड है उसके अंदर वो बहुत अच्छा फिट करता है। और एक बार लाइव देख लिया है तब वो सब जो इक्वेशन लिखेंगे, डेफिनेशंस वगैरह लिखेंगे, उसके मायने लोगों को समझ आते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, तो उससे रिलेट होता है। तो इस तरीके के हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पे क्लास 12 तक, कुछ को छोड़ करके, एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स में फॉर एग्जांपल हम लोग नहीं कर पाएंगे, ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे हमने इस प्रकार के शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स बनाए हैं जिसको कि देश में काफ़ी सारे स्कूलों के अंदर में टीचर्स यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग टीचर्स को वर्कशॉप्स करते हैं, कैंप्स करते हैं, हम जाते हैं, उनको यहाँ बुलाते हैं, और कुल मिला करके जो टीचर्स इस विधा के अंदर में आते हैं वो फिर अपने स्कूलों में उसका उपयोग करते हैं, तो उससे उसकी गुणवत्ता जो है लेक्चर्स की वो बढ़ी है। तो वो एक अलग प्रोजेक्ट है। सर ये तो आपके, एक कहना चाहिए आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में और जो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, और इवन आफ्टर रिटायरमेंट आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये तो आपके, और मुझे, मैंने ये सारी बातें इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो सवाल थे वो मुझे लगता है कि प्रोफेसर वर्मा की जो लाइफ है, उनकी बायोग्राफी है, उससे बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अगले सेगमेंट में जो सीधे सीधे आपने सवाल पूछे हैं उन सवालों के जवाब भी हम प्रोफेसर वर्मा से लेंगे। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। पहले चीज़ तो जो सर की लाइफ से चीज़ें जो निकल कर आई हैं कि सेल्फ स्टडी करना, ज़रूरी नहीं होता कि बच्चा शुरू से टॉपर हो, बहुत रैंक लाए, आपकी लाइफ कहीं भी किसी भी पड़ाव पे चेंज हो सकती है अगर आपके अंदर पढ़ने की क्यूरियोसिटी है, जैसे प्रोफेसर वर्मा ने बताया। और जो एक बड़ा कॉमन सवाल था, बहुत सारे पेरेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत हाई फाई क्लास में, इंस्टीट्यूट में पढ़ना या स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना ज़रूरी है, या बहुत सारे लोग जो सुविधाओं की बात करते हैं, रिसोर्सेज की बात करते हैं कि हमारे पास में, हम बहुत पिछड़े इलाके से रहते हैं, एक और भाषा को लेकर जो बात, सर आप हिंदी पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमें तो सिर्फ हिंदी आती है, हम कैसे पढ़ाई करें। तो वो जो प्रोफेसर वर्मा की लाइफ है उससे आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। अगले सेगमेंट में जो आपने ढेर सारे सवाल भेजे हैं, कुछ सवाल तो बहुत कॉमन हैं, उन्हें हम एक कंपाइल करके एक साथ ही पूछेंगे, और प्रोफेसर वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। अगले सेगमेंट में मैं आपके सवालों के जवाब लूंगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।